नमस्कार, टंडन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुरकुरी मसालेदार फ्राई भिंडी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करें ताकि अगली आने वाली रेसिपी की जानकारी मिल सके। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर दिया है उनको आवश्यकता नहीं है दोबारा सब्सक्राइब करने की। कुरकुरी मसालेदार फ्राई भिंडी के लिए जो हमें सामग्री की आवश्यकता है वह है भिंडी। ये हमने आधा किलो भिंडी ली है। भिंडी नरम होना चाहिए, नरम की पहचान है भिंडी एकदम टूटना चाहिए है। और ये हमने इसको धो के पोंछ ली है कपड़े से। और मसाले जो हमने लिए हैं वो सब पीसे हुए लिए हैं। ऑयल आवश्यकता अनुसार यूज़ करना है। आधा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, एक छोटा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच अमचूर, एक चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, दो चम्मच सौंफ पाउडर, एक चम्मच तिल और आधा बाउल बेसन का लिया है। सबसे पहले हम भिंडी को काटेंगे। भिंडी हम इस प्रकार से काटेंगे, पहले दोनों साइड से ये निकाल देंगे, उसके बाद इस प्रकार हमें भिंडी के तीन टुकड़े या चार टुकड़े करना है लंबाई में, और शेप इतना लंबा लेना है। यदि बड़ी भिंडी हमारी है तो हमको एक भिंडी के दो टुकड़े बीच में से करना है और इस प्रकार काटना है। यदि हमारी इस बीच कोई कड़क भिंडी निकलती है तो हम उसको अलग कर देंगे। इसी प्रकार पूरी भिंडी को हमें काटना है। भिंडी हमने काट ली है, गैस पर कढ़ाई रखी है। गैस को ऑन करके हम उसमें कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल का डालेंगे और उसमें भिंडी फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें भिंडी डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, गैस को मीडियम पे रखेंगे और भिंडी बीच में डाल रहे हैं। भिंडी को बीच बीच में चलाते रहना है, जब तक यह कुरकुरी नहीं हो जाती तब तक हमें इसे चलाना है। ये हमारी भिंडी सिक गई है, लगभग 20 मिनट हो गए हमें। अब इसे हम बाहर निकाल रहे हैं। और इसी तेल में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और चिल्ली डालेंगे। और इसके बाद हम बेसन डालेंगे। बेसन को हल्का सा सेक के बाकी मसाले डालेंगे। ये हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले हम डाल रहे हैं जो हमारे हैं। और हमारे सारे मसाले डालने के बाद हम भिंडी को इसमें डाल रहे हैं। हमारा बेसन भी सिक गया है, मसाले भी सिक गए हैं। इसको अच्छी तरह से मिलाना है और इसमें हल्का सा एक चम्मच और तेल डलेगा। गैस को हम बंद कर देंगे। ये चटपटी कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार हो गई है।
ये हमारी कुरकुरी मसालेदार फ्राई भिंडी खाने के लिए तैयार है। यदि आपको इसका बनाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।